हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा कॉलम पेडेस्टल है, जो स्टील स्ट्रक्चर है, उसका ड्राइंग को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे समझने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने फुटिंग वाला, मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे हो तो फिर इसका पिछले वाला वीडियो है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम का रिइंफोर्समेंट में। जैसे हमने फुटिंग के लिए हमने ड्रॉइंग पढ़ा था, इन द सेम वे कॉलम के लिए भी आपको एक और ड्रॉइंग दिया जाएगा। यहाँ पे ये आपका पूरा पेडेस्टल का लेआउट है, ठीक है? जो जहां पे भी आपका फुटिंग आ रहा है ना, इस पूरे फुटिंग के ऊपर एक एक कॉलम आएगा, जो यहाँ पे पेडेस्टल के नाम से इन्होंने नेमिंग दिया है। जैसे यहाँ पे देखो P1, फिर ये आपका P2, फिर ये आपका P2, P मतलब पेडेस्टल होता है। फिर इसका नंबरिंग किया गया कि 1 1, P1, P2, P3, इस तरह से अलग अलग इसका नंबरिंग दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो P3, 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 फिर ये आपका P1। तो ये सब नंबरिंग कैसे आ जाता है, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलम के लोड के ऊपर, डिपेंड करेगा कॉलम के रिइंफोर्समेंट के ऊपर। जहाँ पे भी कॉलम का साइज सेम है और अगर उसमें रिइंफोर्समेंट भी सेम है, तब उसको एक नाम देंगे, जैसे P1, तो P2, P3, इस तरह से अलग अलग नाम दिया जाता है। एंड यहाँ पे थ्रू आउट आपका रिटेनिंग वॉल है, जैसे RW का मतलब भी आपका रिटेनिंग वॉल है। जितने भी आपका बाउंड्री एरिया है ना, ये पूरा इस बिल्डिंग का बाउंड्री है। यहाँ से पूरा बाउंड्री है, फिर ये आपका बाउंड्री है, फिर यहाँ तक आपका पूरा बाउंड्री है। तो जितना भी आपका बाउंड्री है, वहां पे हमने RW का मतलब हमने रिटेनिंग वॉल को प्रोवाइड किया है, ताकि जो भी साइड वाला जो बिल्डिंग है, वहां से इसका कोई इंटरफेस नहीं रहेगा, इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सो दैट इज वाई द रिटेनिंग वॉल इज गिवन, ठीक है? अब हम रिइंफोर्समेंट के बारे में समझेंगे। सो फॉर रिइंफोर्समेंट के लिए आपको ये वाला ड्राइंग रेफर करना है, विच इज शेड्यूल ऑफ पेडेस्टल कॉलम, ठीक है? चलो, अभी हमने P1, P2, P3, P4 चार कॉलम से आपका, तो इसलिए यहाँ पे नेम है P1, P2, फिर 3, P3 एंड P4। फिर आपका कॉलम का साइज क्या है, जैसे P1 कॉलम आपका 750 बाय 375 का है, अगर आपको फीट में चाहिए, इट इज 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच। फिर ये भी आपका 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच, ये भी आपका 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, ये भी आपका 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब चारों कॉलम का पेडेस्टल का साइज सेम है, तो अलग अलग क्यों लिखेंगे? कॉलम का साइज तो सेम ही है, आई एग्री विद दैट, पर जो रिइंफोर्समेंट आ रहा है ना, वो आपका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट अलग होगा, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट अलग होगा, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट अलग होगा, फिर यहाँ पे रिइंफोर्समेंट अलग होगा। सिंस द रिइंफोर्समेंट विल बी डिफरेंट, वहां पे यूजुअली क्या किया जाता है, आपको अलग अलग नेमिंग दिया जाता है कि P1, P2, P3 एंड P4, राइट? नाउ कम टू द रिइंफोर्समेंट। तो इस कॉलम में आपको 16 डायमीटर का 6 नंबर ऑफ बार को प्रोवाइड करना है और 12 डायमीटर का 6 नंबर ऑफ बार को प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सारे आपके 16 डायमीटर का बार है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है आपका 16 डायमीटर का 6 नंबर ऑफ बार है। एंड फिर जहाँ पे इस तरह से एक सिंबल आया है, ये आपका 12 डायमीटर का 6 नंबर ऑफ बार है, ठीक है? पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करते हो ना, तो ड्राफ्टिंग वाला बंदा अगर ढंग से नहीं करेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक क्रिएट होगा। देखो, इसने रेफरेंस के लिए तो दिखा दिया कि अगर इस तरह से सिंबल है तो ये मेरा 16 डायमीटर का होगा, अगर इस तरह से सिंबल है तो मेरा 12 डायमीटर का होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, इसने सारे में 16 डायमीटर ही दिखाया हुआ है। देखो, ये सारे आपके 16 डायमीटर का ही है। सो दैट इज वन मिस्टेक यूजुअली जो आपको साइट पे देखने को मिलता है। इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे सही किया है, हियर ही हैज डन इट करेक्टली, कि अगर ये 12 डायमीटर का है तो इस तरह से दिखाया इसने, यहाँ पे देखो सिर्फ 12 डायमीटर। पर यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, शायद कभी कभी क्या होता है, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन जब थोड़ा जल्दी में काम करते हैं, वो भूल जाते हैं इसको डिलीट करने के लिए। अगर वो यहाँ पे इस तरह से डिलीट करेगा तभी ये वर्क करेगा, बट एनी हाउ नॉट एन इश्यू। वो जब आप साइट पे काम करोगे, फिर आपको ये अपने मैनेजर को बोलना है कि इसमें गलती है, फिर वो जो भी आपका ड्राफ्टमैन है वो फिर उसको सही करके देगा, नॉट एन इश्यू, लीव इट, ठीक है? फाइन। नेक्स्ट, आप STR का मतलब है स्टीरअप्स। स्टीरअप्स मतलब ये कॉलम है, तो इसको आपको लैटरल टाइज बुलाना है, पर यूजुअली पीपल राइट स्टीरअप, STR का मतलब है स्टीरअप। तो इस कॉलम में आपको 8 mm का सरिया यूज करना है, और जो स्पेसिंग है दो लैटरल टाइज के बीच में, वो आपको 125 mm पे रखना है, विच इज 5 inches सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको 8 डायमीटर का सरिया यूज करना है, जिसका स्पेसिंग है 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। यहाँ पे भी आपको 8 डायमीटर का सरिया यूज करना है, विच इज एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे 5 इंच पे था, तो इस वाले कॉलम में आपका 6 इंच हो गया। फिर यहाँ पे भी आपको 8 डायमीटर का सरिया यूज करना है, सेंटर टू सेंटर आपका 6 इंच पे आपको लगाना है, ठीक है? तो ये सारे आपके कॉलम के रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली आप अगर आपको ये देखना है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो प्रैक्टिकली आपका कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा।
ये आपके रिइंफोर्समेंट है सारे इस तरह से, ठीक है, ऑल दिस आर योर रिइंफोर्समेंट एंड दिस इज हाउ द लैटरल टाइस इज प्रोवाइडेड, ठीक है। सेम थिंग आप यहाँ पे ड्रॉइंग में देख पाए, यहाँ पे टोटल आपका कितना लैटरल टाइस है, चार लैटरल टाइस है। तो एक आपका मेन रिंग होगा, दिस विल बी योर मेन रिंग, ये आपका मास्टर रिंग होता है, जो बड़ा रिंग है जिसमें मास्टर रिंग, फिर ये आपका सेकेंड वाला रिंग होगा, फिर ये आपका एक लिंक इस तरफ होगा, एक और लिंक आपका इस तरफ होगा। टोटली वी हैव फोर सेट्स, वी कॉल इट एज फोर सेट्स, ठीक है, गुड। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेडेस्टल ड्रॉइंग। तो पेडेस्टल का ड्रॉइंग इस तरह से आपको पढ़ा जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, फिर मैं आपको एक एस्टिमेशन करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फुटिंग लिया था, राइट, F1 फुटिंग 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर है, डेप्थ आपको 500 mm का है। तो अब इसमें कितना कॉन्क्रीट चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से एक्सेल शीट्स बना के रखना होता है, आपको बनाना होता है सारे एक्सेल शीट्स। ये सारे चीज मैंने अपने क्वांटिटी एस्टिमेशन एस्टिमेशन वाले कोर्स में मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैं बस आपको मैं कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालना समझा दूंगा, बाकी ये सारे एक्सेल शीट्स आप खुद बनाओगे जब आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे। वहाँ पे मैंने आपको एकदम ब्लैंक लेवल से, जब इस तरह से आपके पास ब्लैंक शीट आएगा तो ब्लैंक शीट से मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये सारे चीज करने हैं। तो अभी हम वन बाय वन फुटिंग का साइज लिखेंगे। सो हमारा फुटिंग का साइज था 2.2500 mm था। सो 2500 बाई 2500 एंड इसका डेप्थ जो है वो 500 mm का है, राइट। तो इसमें अभी कितना हमें कॉन्क्रीट चाहिए, कितना कॉन्क्रीट क्वांटिटी लगे उसको हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इज हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन विल डायरेक्टली राइट 2.5 इधर, फिर यहाँ पे भी 2.5 लिखेंगे, और कॉलम का जो फाउंडेशन का जो डेप्थ है, फुटिंग का डेप्थ है 0.5। तो मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा है। तो सेम थिंग यू कैन सी हियर, 2.5 बाई 2.5 बाई 500। अब आपको मैंने एक फुटिंग का निकाला ना, अभी जो कॉन्क्रीट क्वांटिटी मुझे मिला है 2.5 बाई 2.5 0.5, अगर इसको करोगे आप 2.5 इंटू 2.5 इंटू 0.5, तो आपको 3.125 क्यूबिक मीटर का आपके पास कॉन्क्रीट क्वांटिटी आएगा, पर वो एक सिंगल फुटिंग का है। टोटल बिल्डिंग में कितना फुटिंग है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो फुटिंग नंबर हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल आपके पास F1 फुटिंग जो है ना, 16 नंबर ऑफ F1 फुटिंग आपके पास है। तो बस एक्सेल शीट में नंबर ऑफ मेंबर्स में हम यहाँ पे 16 करेंगे। अब जैसे मैं इसको 16 करूंगा ना, टोटल आपके फाउंडेशन में 50 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट क्वांटिटी आपको चाहिए। सो दैट इज हाउ द एस्टिमेशन हैज टू बी डन। मैंने एक फुटिंग का एक्सप्लेन किया। अब ये तो बहुत सिंपल ड्रॉइंग है, जब आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ड्रॉइंग करोगे, मेरा जो कोर्स है वो G+2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर है, वहाँ पे आपको F1, F2, F3, F4 इससे अलग अलग फुटिंग का डायमेंशन मिलेगा। तब आपको इस तरह से एक्सेल शीट्स में F1 फुटिंग, F2, F3 अलग अलग फुटिंग का करना पड़ेगा एंड फिर हमें टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगा। अभी के लिए बस हमारा कॉन्क्रीट क्वांटिटी 50 mcube है, और इसी तरह से हमारे ड्रॉइंग में राफ्ट फाउंडेशन भी है। तो राफ्ट का देखो साइज, देखो 6.1 बाय 7.5 मीटर बाय 600 mm इसका डेप्थ है। तो इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी भी हम निकाल लेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे इसको, इसको हम राफ्ट लिखेंगे, जस्ट राइट राफ्ट, ओके राफ्ट आप लिखो, काफी है, इट्स अंडरस्टूड। फिर इसको नंबर ऑफ मेंबर्स, एक ही राफ्ट है आपके पास, आप डायमेंशंस बताओ मेरे को, 7.5 बाई 6.1। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 7.5 लिखेंगे एंड फिर ये वाला आपका 6.1 हो जाएगा, फिर आपका डेप्थ हो जाएगा 0.6 mm, 0.6, 600 mm का। तो टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी 27 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट आपका सिर्फ राफ्ट में जा रहा है। सो आपका पूरा आइसोलेटेड फुटिंग में 50 mcube जा रहा है एंड 27 mcube आपका राफ्ट में जा रहा है। तो उस बिल्डिंग में टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी कितना चाहिए, 50 mcube प्लस राफ्ट का 27। सो टोटल 77.450 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड इन दिस एंटायर स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो मुझे बताओ, तो अगर आपने इतना किया तो इसमें कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट चाहिए। मान लो आप M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज कर रहे हो, और M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट का जो रेशियो 1:1.5:3 का रेशियो है ना, M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट, तो इसमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट चाहिए, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड। उसके लिए आपको सिंपल एक और एक्सेल शीट्स बना के रखना होता है। सो टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 77.45 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास एक और एक्सेल शीट है, यहाँ पे हम टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी 77.45 लगाएंगे एंड फिर हमारा रेशियो है M20 ग्रेड का, तो हम यहाँ पे M20 लिखेंगे और इट इज 1:1.5:3 का रेशियो है, दैट्स इट, फिनिश। तो आपके पास आंसर रेडी है।
इस पूरे अगर मेरे को 77 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीटिंग करना है तो मेरे को टोटल 624 सीमेंट बैग चाहिए, सैंड मेरे को 1148 सीएफटी का सैंड चाहिए, एग्रीगेट 2297 सीएफटी का सैंड चाहिए। तो टोटल मेरे को टोटल जो खर्चा है, अगर सीमेंट में 350 रुपये रख रहा हूँ एक बैग के लिए, सैंड 42 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट एंड एग्रीगेट 44 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट, टोटल इस फाउंडेशन को करने के लिए मुझे 3,68,052 रुपीज़ मेरा सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट है। इसमें लेबर का कॉस्ट सब अलग है, उसको अलग से हम आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आप रेट एनालिसिस में हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको टोटल सिर्फ मटेरियल का ही खर्चा 3,68,052 रुपीज़ है। ठीक है, तो मेरे एक लेक्चर में मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से एक्सेल शीट्स आप कैसे बनाओगे, एंड आपको एक सारी चीज़ अगर ढंग से पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको अगर समझना है, तो आप मेरे जो कोर्स है क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला कोर्स, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन किया है। आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे सारे कोर्सेस मैंने आपको इन डेप्थ लेवल पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर पाता यूट्यूब पे, पर जब आप कोर्सेस में एनरोल करोगे यहाँ पे इन डेप्थ आपको हर एक चीज़ बैठ के किस तरह से आपको एक्सेल शीट्स बनाने, हर एक चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स सीखना है तो आप सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स ले सकते हो, जो 60 घंटे का लेक्चर है, जो आप लोग आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले बंदे भी नहीं पढ़ाएंगे। इस लेवल का कंटेंट आपको मैं ऑनलाइन में फ्रॉम द साइट आई एम गोइंग टू टीच यू। फिर अगर आपको बारबेंडिंग शेड्यूल का सीखना है तो आप सिर्फ बीबीएस का कोर्स ले सकते हो, पर जब तक आपको साइट एग्जीक्यूशन एंड ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है तो आप बीबीएस का कोर्स में आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द साइट एग्जीक्यूशन कोर्स, फिर आप मेरा ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स ले लो, फिर आप चाहे तो एडवांस क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला कोर्स आप बाद में ले सकते हो, पर आपको ड्राइंग रीडिंग आने के बाद ही आपको एस्टिमेशन करना है। तो अगर आपको ये सारी चीज इन प्रॉपर वे में सीखना है, यू कैन गो फॉर द कॉम्बो कोर्सेस। ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी है, इसमें मेरा सारे कोर्सेस इन्वॉल्व है, 15 आई थिंक लगभग 15 कोर्सेस आपको मिलेगा। अगर आपको उसको थोड़ा कम प्राइस में चाहिए तो आप मेरा 6-in-1 वाला कोर्स ले सकते हो, जो 1500 रुपये का है। इसमें आपको ईएमआई का भी इंस्टॉलमेंट ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 750 रुपये 2 बार इंस्टॉलमेंट आपको एक एक महीने के गैप में करना पड़ेगा। और इसमें आपको जो भी कॉन्टेंट है सारी चीज़ आप यहाँ पे इसमें ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड है, और इसमें ये पूरा कंटेंट है जहाँ पे आपको मैं पूरा साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन बारबेंडिंग शेड्यूल रेट एनालिसिस बीओके प्रिपरेशन ड्राइंग रीडिंग एंड फिर इसमें आपको एमएस एक्सेल का भी कोर्स इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको एडिशनल लेक्चर्स लाइक रेज्यूमे प्रिपरेशन ये सारी चीज़ इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बेस्ड ऑन योर बजट, जो भी आपका बजट है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक। इवन ये जो सिंगल कोर्स जो है साइट एग्जीक्यूशन का, जो सिर्फ 730 रुपीज़ का है, इसमें भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे 750 रुपये आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 500 रुपये पेमेंट करोगे, फिर 2 हफ्ते के बाद बचा हुआ 250 आप 2 हफ्ते के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई ऑप्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एफोर्ड नहीं कर पाते, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ईएमआई में रखा है, क्योंकि जब तक आप इसमें एनरोल नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आप सीखोगे नहीं। दैट इज वाई मैंने प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखा है। आप सेम कोर्स अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाओगे या दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको सिर्फ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स मेरे पास ही अवेलेबल है, दूसरे किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग अ साइट एग्जीक्यूशन कोर्स ऑन द एंटायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके बाद जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने कॉपी किया या उधर से देख लिया, फिर उन्होंने खुद का अपने कोर्सेस बनाया हुआ है, राइट? एनी हाउ दैट्स फाइन, पर जो कॉन्टेंट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ वो उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। आपको पूरा 60 घंटे का लेक्चर इसमें साइट एग्जीक्यूशन का मिलेगा। अगर आप यूडेमी पे जाके भी चेक करोगे, दैट इज द फर्स्ट कोर्स विच हैज कम ऑन द एंटायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके पहले किसी के पास साइट एग्जीक्यूशन का अलग सा कोर्स नहीं था। इसमें सिर्फ मैं साइट एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, इसमें फिर एस्टिमेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि एस्टिमेशन के लिए अलग सा कोर्स है जो एस्टिमेशन के ऊपर बात करूंगा। फिर यहाँ पे मैं आपको साइट एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। सो दैट इज हाउ माई कोर्सेस आर, मैं आपको एक कोर्स में हर एक चीज नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ इट इज। सो इफ आई इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्स, इफ नॉट नॉट एन प्रॉब्लम। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप सारे वीडियोस को देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बाद, अभी हमने कॉलम का देख लिया, हमने फुटिंग का भी देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में विल सी कुछ और ड्राइंग देख लेंगे इसमें, एंड फिर आई थिंक स्टील सेक्शन के बारे में कुछ देखेंगे हम, जो अभी हमारा स्टील सेक्शन से मैं उसका ड्राइंग भी आपको समझा दूंगा कि स्टील का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाते हैं, द पीवी ड्राइंग सेंट्रल। इस तरह से हम फोटो जो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल द फोटो, इसका ड्राइंग कैसे पढ़ा जाते हैं, देखो ये पूरा स्टील का सेक्शन से, ठीक है? इस ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाते हैं, विल ट्राई टू सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।